दोनों में हाउ केस ए और केस बी में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइबरिडम कितना होगा? थ्री, यहां पे कितना रहेगा? थ्री रहेगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा? हालांकि इसका न्यूमेरिकल प्रूफ दिया हुआ है इस बुक में, लेकिन आप सिर्फ ऐसे ही बताइए। तो भाई हाइपर कंजुगेशन कैसा नेचर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। किसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए? ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी डिफिशियंट है। कौन ज़्यादा डिफिशियंट है? इट इज टू इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, राइट? इट इज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, करेक्ट है। तक इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब है कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, एक कम एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द वजह कि फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन में अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, आंसर देने के लिए कुछ तो कॉमन रखेंगे, तो मैंने कॉमन रख दिया हाइपर कंजुगेबल। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन में अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल सेम रखते हैं तो कार्बोकटाइन में हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। लॉजिक क्या है? ए मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस प्रोसेस से, करेक्ट है ना। और जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा वहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा, एग्री ना? इसका मतलब ए और बी में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? एक टाइम बी लिख लीजिए। रीजन समझ में आ गया? और नहीं समझ में आया है, अगर समझ में आ भी गया है तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में जो मैंने बोला। अब यहां देखिए स्टूडेंट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस हाइपर कंजुगेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। तो एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन क्या है? जस्ट लाइक रेजोनेंस, बट इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट? तो भाई डेल्टा एच और रेजोनेंस एनर्जी में क्या रिलेशन था? यस, रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड में क्या था? लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आंसर देने के लिए एक कंडीशन था स्टूडेंट। क्या कंडीशन था? प्रोवाइडेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड शुड बी सेम। क्या था? प्रोवाइडेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड शुड बी सेम, यहाँ तक करेक्ट है ना? सही है। लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन एटम एडेड डिफरेंट रहेगा, तब किसको फेवर कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को या पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड? वन हाइड्रोजन एटम, वन कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड बनने से मोटा मोटी 200 प्लस किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। और रेजोनेंस का गेम है 5 से 10 किलो कैलोरी के बीच का। तो अब इसलिए सबसे डोमिनेंट फैक्टर कौन रहेगा? हाइड्रोजन एटम का जुड़ना कौन सा फैक्टर रहेगा? इससे पहले देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, जिसमें ज़्यादा ऐड होगा उसमें ज़्यादा रिलीज करेगा, जिसमें कम ऐड होगा उसमें कम रिलीज करेगा। लेकिन अगर एडेड सेम हो गया
तब इस कॉन्सेप्ट को लगाना है, करेक्ट। तो इन सिमिलर सिचुएशन क्या यहां से बोल सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजन सन ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक रेजोनेंस, करेक्ट। और इस लेकिन ये भी फार्मूला आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, यस, पहले किसको फेवर कीजिएगा, इस कंडीशन को या पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड। इसका मतलब सबसे बड़ा प्राइम पॉइंट रहेगा, देखिए यहां सीखने से यहां फायदा हो गया। अब दोबारा यहां पे मुझे डायग्राम बना के आपको कॉन्फिडेंस में लेने का रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी मैंने यहां पे एफर्ट लगा दिया, राइट। तो अगर दो ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी और एक पॉइंट ए है, डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, इन तीनों पॉइंट में सबसे प्राइम पॉइंट क्या है, ए। और अगर ए कॉमन हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड कॉमन हो गया, तब इसका इसका हेल्प लेंगे, करेक्ट है ना, समझ में आ गया। मतलब ए और बी कॉन्ट्राडिक करेगा तो ए को फेवर करेंगे, ए और सी कॉन्ट्राडिक कर गया ए को फेवर करेंगे, करेक्ट। आप एक काम कीजिएगा, आप मूल कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास जहाँ तक पढ़ाया था तो उस कॉपी को लेकर आइएगा, तो कंसंट्रेशन चल रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको भी अगर कवर कर लेंगे ना तो मोटा मोटी पूरा मूल कॉन्सेप्ट से मेरा माइंड एक होता टेंशन के बचा हुआ है वो रिलीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि हाँ एक कवर हो चुका। चलिए अभी इस पर कुछ प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखिए एवरीवन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितना एटम ऐड होगा, बोले दो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, इसमें कितना ऐड होगा, दो, इसमें कितना ऐड होगा, दो, करेक्ट। तो सब में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड इक्वल हो गया, तब क्या आप देखेंगे, यहाँ पे तो रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, बट रेजोनेंस के जैसा ही एक प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, बोले चार, इसमें कितना, सेवन, वेरी गुड, इसमें कितना, टेन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रिलीज होगा, सी में। तो ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ए गटन बी गटन सी, एक किसका ऑर्डर है, हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ए बी सी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, दो, इसमें कितना, भाई ऐसे कैसे देखते हैं, क्या समस्या है, ऐसे तो काम किसी का नहीं चलेगा, तीन दो पांच,
इसको जोड़ने में आप लोग इतना टाइम ले लेते हैं, तो देख कर फटाक से कोई बोल देगा। यहाँ पे क्या मान रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट, या दिस इज CH3, देन इसमें कितना हाइपर कंजुगल, दो दो चार और तीन सात। ये सब आंसर में आपको टाइम बचाना है, इसमें टाइम ले लेते हैं। सब में कॉमन बात क्या है, दो एटम ऐड होगा, दो एटम ऐड होगा, दो एटम ऐड होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या होगा भाई, ए घटन बी घटन सी, करेक्ट है ना। ए बी सी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें कितना एटम ऐड होगा, अगर एडिशन होगा तो, मान लीजिए एडिशन हो रहा है छः, इसमें भी कितना ऐड होगा सिक्स, इसमें भी कितना ऐड होगा सिक्स, तो छः छः छः, ये तो बात कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन फैक्टर है ना। बट भाई इसमें दो बात के कारण, एक तो इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा रिलीज होगा, एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस कम होता है ज़्यादा होता है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे खास क्लाउड को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि ब्रेक नहीं होना चाहता है, राइट। तो जितना आपका प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ ना कुछ उससे उसमें प्रॉफिट तो होगा पक्का, बट इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, इस एयरोसिटी को ब्रेक करने में भी एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पर रेजोनेंस, सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी आप दे देते हैं कि जिसमें रेजोनेंस मैक्सिमम उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम, ये भी बात हो सकता था। बट साथ में इसमें एक और पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि एरोमेटिक सिस्टम को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए जो प्रॉफिट है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट क्या कहाँ पे चला खर्च हो जाएगा उस एरोमेटिक को ब्रेक करने में, करेक्ट। चलिए तो पहला बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, बी में होगा, करेक्ट, क्योंकि देयर इज नो रेजोनेंस। उसके बाद थोड़ा रेजोनेंस हो रहा है, राइट, और सबसे कम किस में मिलेगा, दो फैक्टर से कम मिलेगा, रेजोनेंस मैक्सिमम हो रहा है तो रेजोनेंस मैक्सिमम, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम, अब दूसरा फैक्टर क्या है, एमसीटी को ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, इसमें या इसमें, वेरी गुड, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी चार ऐड होगा, यहाँ भी चार ऐड होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड को एंटी एरोमेटिक हो गया ना, दैट्स वाई क्या बोल सकते हैं, ए घटन बी, ए घटन बी।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। देखिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, एक मिनट, सी में पूरा बोलिए बढ़िया से ताकि मेरे पास आवाज़ आ सके, बोलिए। यहाँ तो रेजोनेंस देख नहीं रहे हैं, नोबॉन्ड रेजोनेंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नोबॉन्ड रेजोनेंस देखेंगे, करेक्ट। हाउ मेनी हाइपर कंजुगल, बोलिए चार, यहाँ पे हाउ मेनी हाइपर चार, दोनों तो हाइपर कंजुगल सेम है और हाइड्रोजन भी एडिड सेम है, करेक्ट है ना। हाँ इसमें रॉन्गली बट करेक्ट, इसके बीच में कर सकते थे, दो हाइपर कंजुगल चार, राइट, तो इसका ज़्यादा इसका कम रहेगा, ये आप बच के निकल सकते थे, बट बी और सी में फंस जाएंगे। नहीं तब एक ऑप्शन है सर इक्वल कर देते हैं, एक ऑप्शन भी है सर इक्वल कर देते हैं, बट एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा पहले ले लिया गया, बट यहाँ आप बोलिए चिन्मय विथ प्रॉपर रीजन। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बोल सकते हैं। यहाँ देखिएगा और किसी का अभिज्ञान, देखिए उन सबसे पूछ रहा हूँ जो एक बार एक्चुअली देखे हुए लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है एंगल स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन तो लिख लीजिए यहाँ पे, दो मिनट में इसको समझा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि छूट जाता, एंगल स्ट्रेन कहीं ना कहीं आता है, कार्बोकैटायन जब पढ़ाते रहते तो डैम से आएगा ही आएगा, ठीक है, रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में। यहां देखेंगे, देखिए स्टूडेंट जैसे कैसे हम लोग स्प्रिंग का एक लेंथ होता है ना नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ क्यों बुलाता है, क्योंकि उस नेचुरल लेंथ पे छोड़ दिया जाए तो ना ही उसमें एक्सपेंशन का टेंडेंसी रहेगा, नहीं उसी तरीके से वो कंपनी से बन के निकला है, बट उसके नेचुरल लेंथ से अगर लेंथ को डिविएट करते हैं ज़्यादा या कम तो उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब रहेगा, नेचुरल लेंथ में जब रहेगा तब, उससे अगर डिविएट होगा तो स्टेबल रहेगा या थोड़ा अनस्टेबल सिचुएशन रहेगा, बोलिए अनस्टेबल सिचुएशन, राइट। वैसे ही मान लेते हैं कि एक कोई लोहे का फ्रेम है, किसका, अरे सबसे ज़्यादा स्टेबल है 109 डिग्री 28 मिनट पे, कितना पे, मैंने एक बनाया अपने से 109 डिग्री 28 मिनट पे, उससे अगर कंप्रेस कर दिए, होना चाहिए शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, उससे अगर कंप्रेस करते हैं तो क्या रहेगा, या स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, और वह स्ट्रेन किसके वजह से हुआ, ड्यू टू डिविएशन ऑफ द एंगल, नेचुरल एंगल, तो उसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे, एंगल के वजह से स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, और स्ट्रेन कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पढ़ाई का स्ट्रेन है तो यहाँ पे प्रेशर है ना, स्ट्रेन स्ट्रेस एवरी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हर स्ट्रेस के लिए एक स्ट्रेन होता है, करेक्ट। आपका एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है उसके कारण स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो गया है दिमाग में, और कुछ लोग तो बिल्कुल होते हैं ना एकदम बिल्कुल जॉली माइंड का, दिन दुनिया से ऊपर उठे होते हैं मोह माया से, एग्ज़ाम सर आते रहेगा जाते रहेगा, मेरा अपना रूटीन चल रहा है, जो भी है वो रूटीन को फॉलो करना है, और प्लस खैर तो बिहू का टाइम है इसमें कुछ नहीं बोला जाएगा, बट फिर भी है कि एक कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं कि 5-6 दिन कंप्लीट बिहू में टाइम लगा दीजिए, इन्जॉय कीजिए घर पर रह के, बट कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, ठीक है 5 घंटा नहीं पढ़ेंगे, रात में एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर जरूर पढ़ लीजिएगा,
दिन बहुत फेस्टिव सीजन है, घर पे कुछ इवेंट हो रहा है, तो उस दिन भी कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर डिसकंटिन्यू हुए तो आपको मुझे वन वीक पीछे लेके चला जाता है कॉन्फिडेंस वाइज। जब कुछ ना कुछ करते रहना, और मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल पढ़ते रहना है, क्योंकि ये दोबारा मौका ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, इसमें निकल जाइए। तो यहाँ देखिए, हाँ क्लास कहाँ बंद रहेगा, मैंने तो क्लास बंद का अनाउंसमेंट ही नहीं किया। आप लोग ऑफलाइन दे दूंगा कि आप घर से क्लास कीजिए, बट घर से क्लास तो कर सकता है ना यार। आप लोग भाई, आप लोग का त्यौहार मेरा भी त्यौहार है, ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए सीरियस डिस्कशन है, एंग्लो स्ट्रेन। यहाँ देखेंगे एवरीवन, इस पे क्वेश्चन आएगा भाई। यहाँ देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो sp3 है, तो sp3 कार्बन का नेचुरली एंगल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, नेचुरल बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री यस 28 मिनट, एग्री ना। ए ट्रायंगल कार्बन कार्बन कार्बन, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बॉन्ड लेंथ, ए बॉन्ड लेंथ, ए बॉन्ड लेंथ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, बातों को समझना है। तो उस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ज्योमेट्री को तो ए फॉलो करेगा, तो ए एंगल कितना हो गया 60, होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। तो ए एंगल क्या नेचुरल एंगल है या स्ट्रेन आ गया, जितना होना चाहिए उससे आपने कंप्रेस कर दिया है, राइट। बट ए वन, यहाँ देखिएगा, ए क्या 60 होगा, इसमें कोई कंडीशन है, ये तो बाहर में ओपन हो सकता है, तो ए कितना एंगल है, ये कितना है 60। तो इसमें एक क्वेश्चन ही अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा, क्या इसमें सारा ऑल एंगल सिमिलर एंगल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है। इस कार्बन का sp3 होते हुए अंदर का एंगल कितना है 60, अब बाहर का एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। तो ऑल एंगल आर नॉट सिमिलर, इज इट राइट। तो इसके वजह से स्ट्रेन डेवलप हुआ या इसके वजह से, इसके वजह से। तो कितना का डिविएशन हुआ एवरीवन, और वो डिविएशन एक्सपेंशन का है या कंप्रेशन का है, कंप्रेशन का है। तो डिविएशन कितना, डिविएशन हुआ 109 डिग्री 28 मिनट में से कितना को माइनस करेंगे, तो हो गया 49 डिग्री 28 मिनट। ये पता है ना, 1 मिनट इक्वल टू 60, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, करेक्ट। और यस, तो ये जो डिविएशन हुआ वो कंप्रेस ड्यू टू कंप्रेशन, राइट, यही मेरा डिविएशन है। ये डिविएशन के वजह से इसका जो स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन कहीं ना कहीं तो अपीयर होगा, वह स्ट्रेन बॉन्ड पे आ जाएगा, एक ही पे डिस्ट्रीब्यूट होगा या दो बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट्स वाई एंगल स्ट्रेन के लिए, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू 49 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2 करते हैं, दो से डिवाइड करने का वजह क्या रहा, वह स्ट्रेन दो बॉन्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करेक्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 24 डिग्री 44 मिनट, क्या मैंने सही किया, 24 इंटू 2 48 डिग्री, एक डिग्री हाथ में रह गया, एक डिग्री मतलब 60 मिनट, पहले से 28 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 28 मिनट 88 मिनट, और डिवाइड बाई 2 कितना, एकदम बच्चा टाइप डिवीजन सिखा दिया आपको, हो गया ना। तो दिस इज द एंगल स्ट्रेन, एक इसको क्या बोलेंगे, लिखिए, बहुत जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आज फर्स्ट टाइम है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका मैकेनिज्म में लेकर आऊँगा दोबारा, ध्यान सुनिएगा। दिस इज द रीजन जनरली एडिशन रिएक्शन होने का डिफरेंशियल क्या होता है, कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट।
बट एक्सेप्शन है साइक्लोप्रोपेन, ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन का सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड, साइक्लोप्रोपेन का सिग्मा बॉन्ड बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड, बजाय सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एन आई एच टू क्या होता है सी एच टू एच एंड सी एच टू एच एडिशन रिएक्शन, एक पाई ब्रेक हुआ दो सिग्मा बॉन्ड, ये भी ये रिएक्शन देता है भाई एन आई एच टू। नहीं लग रहा सर बड़ा अनयूजुअल टाइप का बात हो गया, करेक्ट? ऐसा क्यों? तो इसका सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर। तो पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होकर एडिशन देता है तो साइक्लोप्रोपेन का भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर, तो इसमें हम लोग डिफरेंशियल लिखवाते ही हैं कि एडिशन रिएक्शन होने के लिए 99.9% केस में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है दो सिग्मा बॉन्ड, बट एक्सेप्शन में है साइक्लोप्रोपेन ए भी एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है ड्यू टू व्हाट, इसका सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाता है? पाई बॉन्ड के बराबर। यह स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है या वीक सिग्मा बॉन्ड है? वजह वीक होने का बोलिए भाई, आप तो पढ़ा दिए एंगल स्ट्रेन, करेक्ट है ना? यहाँ तक आइए, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाएगा ये फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए इसमें एंगल स्ट्रेन निकालिए, आप लोग बताइए हाउ मच एंगल स्ट्रेन, आइए पहले हाफ से निकालिएगा तभी पता चल पाएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, नेचुरली होना कितना चाहिए था अंदर का एंगल 109°28' है कितना, डिविएशन कितना हो गया 19°28' डिवाइड बाय 2 हाउ मच 19, करेक्ट है ना? सही है एवरीवन? और एग्जांपल एक लिखिए, यह रेगुलर साइक्लोपेंटेन, रेगुलर साइक्लोपेंटेन इसमें व्हाट अबाउट एंगल स्ट्रेन निकालिए, कैलकुलेट कीजिए सब लोग। माइनस में नहीं आएगा भाई, नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं ना अंदर का एंगल कैसे निकालते हैं पॉलीगॉन में, ऐसा नाइन्थ क्लास में ज्योमेट्री पढ़े थे अंदर का एंगल निकालने का, मुझे तो याद ही है 108° होता है अंदर का एंगल। हम लोग तो भाई बचपन में ऐसे निकालते थे, ट्रायंगल बना लेते थे, राइट? और ए एंगल कितना हो जाता था 360/5 करते थे, आप लोग भी ऐसे करते थे, और 360/5 तो कितना 72, तो ए एंगल हो गया 72, और ए आइसोसेलस ट्रायंगल, और आइसोसेलस ट्रायंगल में एंगल इक्वल होता है, तो इन दोनों का सम कितना 108, 180-72, तो इन दोनों का सम 108, करेक्ट? और ए एंगल और ए एंगल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो इन दोनों का सम 108, एंगल कितना रहेगा 10। इतना आसान ज्योमेट्री था, करेक्ट है ना? मैथ से बचकर कहाँ जाइएगा? तो एंगल स्ट्रेन कितना होगा बोलिए, वो डिविएशन है 1°28' का, राइट? और डिवाइड बाय 2, मतलब 1° का भी डिविएशन नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, तो एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट ना के बराबर, राइट? ऑलमोस्ट
ना के बराबर, करेक्ट है। अब बोलिए स्टूडेंट, रिपल्सन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, बोलिए मेरे साथ, रिपल्सन ज़्यादा स्ट्रेन ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। स्ट्रेन अट्रैक्शन का चीज़ है या बिल्कुल उसमें कुछ नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है तभी तो स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यही था ना, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर के लिए एक्चुअली डोमिनेंट फैक्टर था एंगल स्ट्रेन। कौन सा फैक्टर था भाई, इसका ऑप्शन कितना बोलिए, SP2 कितना, ये एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, है कितना 60, है कितना मोटा मोटी 60 मान लीजिए, तो एंगल स्ट्रेन कितना 30 डिग्री। इसमें एंगल स्ट्रेन होना कितना चाहिए था 120, है 90, तो एंगल स्ट्रेन कितना रहेगा 15 डिग्री, करेक्ट। इसमें एंगल स्ट्रेन होना चाहिए 120, है कितना 108 भी अगर मानते हैं तब भी कितना हो जाएगा 120 माइनस 108 डिवाइड बाई 2 कितना, ऑलमोस्ट 6 डिग्री के आसपास। सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इस पाई बॉन्ड का है, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा इस कंपाउंड का। अरे एनर्जी लेवल डायग्राम पे अगर इसको दिखाया जाए तो ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे जिसका स्टेबिलिटी जिस पाइबोन, अगर इस पाइबोन इस पाइबोन इस पाइबोन में अगर आपसे ये पूछे किस पाइबोन में एनर्जी ज़्यादा स्टोर है, इस पाइबोन में एनर्जी ज़्यादा स्टोर है, तो जब ब्रेक करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर है मतलब ज़्यादा स्ट्रेन में है, तो ए पाइबोन और ए पाइबोन में कौन सा पाइबोन ज़्यादा स्ट्रांग ये ज़्यादा नहीं, ये जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा या वीक होगा, स्ट्रेन ज़्यादा तो स्ट्रेंथ कम ना, स्ट्रेन ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा या स्ट्रेंथ कम, तो भाई इसमें सबसे स्ट्रांग ए है और सबसे कम स्ट्रांग सबसे वीक ए है, राइट। इसका मतलब है कि इजली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसका तोड़ने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे मानिए। इसका मतलब एक नया कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एंगल स्ट्रेन का फैक्टर आएगा तो वहाँ पे अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, और एंगल स्ट्रेन का जन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, जहाँ पे रिंग रहेगा, तो उस केस में आप एंगल स्ट्रेन को भी एक पॉइंट मान सकते हैं, एंगल स्ट्रेन का भी एक पॉइंट मान सकते हैं। और आपको एक रूल तो पढ़ाए ही थे, ब्रेड्स रूल, तो मैं यहाँ पे 6 मेंबर का नहीं लिया हूँ, वो कहीं ना कहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ जाएगा, ये फर्स्ट टाइम आया है तो इसे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब इस केस में आंसर क्या रहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन, ए टन बी टन सी, ठीक है ना। यहां देखेंगे एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, ठीक तो है हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्डर, सबसे कम स्टेबल ए है तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही रिलीज करेगा, राइट। एक मिनट, जहां पे स्ट्रेन ज्यादा रहेगा, करेक्ट, तो जहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा तो ये पाई बॉन्ड वीक रहेगा, तो इसमें तोड़ने में एनर्जी कम, खर्च कम, अब बॉन्ड बनने में एनर्जी प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन में ए है तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस पाई बॉन्ड को ब्रेक होने का रहेगा, ए का रहेगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है।
इसका मतलब एंगल स्ट्रेन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा किसी पाई बॉन्ड का, तो एंगल स्ट्रेन तो पाई बॉन्ड पे तो भी रहेगा, स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो एंगल स्ट्रेन और हीट हाइड्रोजन में अगर आंसर देना हो तो इन्वर्सली या डायरेक्टली, डायरेक्टली करेक्ट। एक मिनट, एक नाम सुने हैं, एंगल ऑफ रिपोज, नाम सुने एंगल ऑफ रिपोज फिक्सर में आएगा, यस। वो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर ए गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस सो दैट ब्लॉक स्टिल रिमेन इन रेस्ट, करेक्ट। मतलब है कि मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है तो 59.9 तक ये रुका रहेगा, 60 तक भी रुका रहेगा, 60 से 0.01 डिग्री भी बढ़ा दिए स्लाइड कर जाएगा, करेक्ट। तो वैसे ही होता है एकदम क्रिटिकल सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन, वहाँ तक हो सकता है कि काम नहीं हो रहा हो, उसे थोड़ा भी कर दिए तो काम क्या होगा, हो जाएगा। तो एक्चुअल में मैं यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन में कौन था, ये था ना, और सबसे कम स्ट्रेन में कौन था, ये था। तो सबसे ज़्यादा इस अपना स्ट्रेन को, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसको रहेगा, स्ट्रेन को रिलैक्स करने का थोड़ा भी, एटलीस्ट ये 30 डिग्री का स्ट्रेन में है, राइट। इसका टेंडेंसी रिलैक्स होने का ज़्यादा रहेगा, इसका रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। 30 डिग्री थोड़ा बहुत स्ट्रेन नहीं होता है, 60 डिग्री का डिविएशन है, बहुत बड़ा डिविएशन है, ठीक है। इसलिए मोटा मोटी आंसर देने के लिए एंगल स्ट्रेन और हीट ऑफ हाइड्रोजन का अगर रिलेशन निकालना चाहते हैं तो इन्वर्सली या डायरेक्टली, डायरेक्टली। और एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इन्वर्सली, स्ट्रेन ज़्यादा स्टेबिलिटी, दोनों लिख लीजिए भाई बॉक्स बनाकर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जी मेन तक तो ठीक है, बट आपका आने का चांस कम रहेगा, बट फिर भी इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक काम कीजिए, उतना छोड़िए, पहले इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही बताइए। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, सर रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा है, ये एंटीरोमेटिक बन गया है, ध्यान से देखिए तो क्या बना हुआ है, ये भी तो फोर मेंबर रिंग, तो क्या है एंटीरोमेटिक, तो रेजोनेंस तो भाई कहीं पे नहीं हो रहा है, बट यहां का पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड है उसमें से वन ऑफ द पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, राइट, क्योंकि एंटी एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पाई बॉन्ड में कहाँ का पाई बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, यहाँ का पाई बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी कम है, क्यों कम है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में, पहला बात तो हो गया। अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सिक्स मेंबर रिंग में अगर पाई बॉन्ड बनता है कितना, तो इसमें एंगल स्ट्रेन जीरो रहता है, जितना होना चाहिए उतना ही बन जाता है इसका स्ट्रक्चर में, इसको बाद में लेंगे एंगल स्ट्रेन का, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट ना के बराबर, यहाँ पे तो स्ट्रेन है बट यहाँ पे ना के बराबर, यहाँ पे वन ऑफ द डबल बॉन्ड यहाँ पे है, करेक्ट। तो इस डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन कहाँ रहेगा, अगर फोर मेंबर रिंग का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सी में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन कहाँ पे, और सबसे कम एंगल स्ट्रेन कहाँ पे,
ए में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सी में एंगुलर स्ट्रेन भी ज़्यादा, और एक और फैक्टर एंटी एरोमेटिसिटी, एक और कौन सा फैक्टर, दोनों फैक्टर मिलाकर सी का स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगा, क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। कौन कौन सा फैक्टर मिलाकर, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भाई डिट्टो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है या सेम है, सेम है, दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है, पर सी का स्टेबिलिटी सबसे कम और ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, वजह इसमें एंटी एरोमेटिक नहीं है और ना ही इस फोर मेंबर में डबल बॉन्ड है, राइट। फोर मेंबर तो सब में कॉमन बात था, अनकॉमन क्या था, फोर मेंबर में क्या होना, पाई बॉन्ड का होना, करेक्ट। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यहां देखिए स्टूडेंट इतना समझ में आया कि ए एंटी एरोमेटिक है। अब यहां पे फोर मेंबर रिंग पे मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं, इन तीनों में किस किस फोर मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है। सिक्स मेंबर रिंग में अगर डबल बॉन्ड होता है तो मेरे लिए हेडक की बात नहीं है, और यहां पर डबल बॉन्ड होता है क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन नजर नहीं आएगा, बाद में पढ़ाएंगे। तो इसमें सर दोनों जगह पे दो डबल बॉन्ड है, तो यहां भी 30 डिग्री का डिविएशन, यहां भी 15 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन, यहां भी 15 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन, करेक्ट। बट यहां पे एक ही डबल बॉन्ड है फोर मेंबर के अंदर, यहां पे एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन कहां रहेगा, यहां रहेगा। और इसके साथ एक और निगेटिव फैक्टर आ गया है, ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, क्या है, तो एंटी एरोमेटिक का दो पाई बॉन्ड और नॉन एरोमेटिक का दो पाई बॉन्ड, किस पाई बॉन्ड के पास एनर्जी ज्यादा होता है, एंटी एरोमेटिक, तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। अब अभी समझ में आ गया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस बेसिस पे, भाई यहां पे कुछ नया सीख रहे हैं, जनरल बात नहीं है, आपको लगता है जनरल बात है, एक वन ऑफ द कह सकते हैं कि बढ़िया में से एक प्रॉब्लम है जो डिकेसिन में है, उसको मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना एफर्ट लगा रहा हूँ समझाने के लिए, हालांकि यहाँ तक नीट में भाई आएगा नहीं, बट फिर भी जान जाइए कहीं ना कहीं तो आएगा कुछ इससे रिलेटेड बात, राइट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, पहला बात तो किसका हो गया, ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। अब बताइए अगर इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो इसमें चार एटम ऐड होगा, इसमें भी चार ऐड होगा, इसमें भी चार ऐड होगा, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन किसमें रिलीज होगा, सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए, ए डेल्टा एच का ऑर्डर रहेगा, क्यों रहेगा, तो इसमें एक और भी बात, इसमें एक और अच्छा बात हो गया कि सबका प्रोडक्ट तो सर सेम नजर आ रहा है, ये तो ऐसे ही प्रोडक्ट, इसमें तो और भी तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि सबका फाइनल प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो यही रहेगा ना स्टूडेंट, बट ये कहाँ पे है, सी बी ए, देखिए सबसे बड़ा गैप किसका रहेगा, सी का, और सबसे छोटा गैप किसका रहेगा, ए का, बट ऑल द टाइम ये गैप नहीं हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये चांस की कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है तीनों का, तो इसलिए समटाइम्स हम लोग प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं भी देखते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड देखते हैं, ठीक है, बट यहाँ तो इससे भी आंसर आ सकता था, ठीक है ना। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर ए रहेगा, इसका मतलब आज के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, किसका, एंगुलर स्ट्रेन का, ठीक है। यहाँ देखिए इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या रहेगा, सब में नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम एडेड इक्वल है, राइट। यहाँ देखिए इसमें और इसमें किसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा, इसमें सिर्फ एक एंगल में स्ट्रेन है, इसमें दोनों एंगल में स्ट्रेन है, राइट। और इसमें एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट स्टैंडिंग टू व्हाट, जीरो है, ठीक है। दैट्स व्हाई, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है, सब में कॉमन बात क्या है, दो दो एटम ऐड हो रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड तो इक्वल हो गया, बट स्ट्रेन वाइज सबसे ज़्यादा किसका टेंडेंसी रहेगा पाई बॉन्ड ब्रेक होने का, ए का रहेगा। समझ में आ गया है, तो क्या खुद से रीजन लिख सकते हैं किसका ऑर्डर है स्टूडेंट, हीट ऑफ हाइड्रोजन का। अब देखिए बात यह है कि हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से देखने से ज़्यादा बेटर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डोम हाइपर कंजुगेशन, एक मिनट, ये भी एक सब्सिडेंट इफेक्ट, एंगुलर स्ट्रेन भी एक इफेक्ट ही मानी है, वैसा कोई भी इफेक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा था, इट इज काइंड ऑफ सब्सिडेंट इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंगुलर स्ट्रेन है, हाइपर से मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर बोलिए सर इसमें डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, क्या डोमिनेंट फैक्टर है, एंगुलर स्ट्रेन। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका था, देखिए एक और पॉइंट बनाइए, हालांकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बट फिर भी लिख लीजिए, हाइपर कंजुगेशन ऐसे ही बना दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ, हाइपर कंजुगेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ, बोले हाइपर कंजन बॉन्ड लेंथ को जस्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर कंजन प्रोसेस आल्सो मॉडिफाई द बॉन्ड लेंथ, और कहीं का इंक्रीज करता है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कहीं का, एक लाइन लिख लीजिए, हाइपर कंजुगेशन आल्सो मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ, हाइपर कंजुगेशन आल्सो मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ। यहाँ देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया जाएगा, देखिए सबसे पहले बॉन्ड, इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के लिए हम लोग सबसे पहले गौर करते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे, एग्री ना, तो भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 नज़र आएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 नज़र आएगा, यहाँ तक बात हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर जब कॉमन रहता है तब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ, ये पढ़ाए थे हाइड्रोजन में, ठीक है, बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से आंसर मिलेगा। अब मुझे 1, 2, 3, 1, 2 C1, C2 का देखना है ए और बी में, तो बॉन्ड ऑर्डर से तो आंसर नहीं मिलेगा, क्या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से मिलेगा, सर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैप, जो सिग्मा बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हार्ट sp2 sp2, और यहाँ जो बना है सर sp2 sp2, नहीं था डिटो कॉमन हो गया, हाँ ना, कुछ बोलिए, और फिर भी आंसर देना है, तो अनकॉमन फैक्टर है, इसमें हाइपर कंजन हो रहा है, राइट, इसमें हाइपर कंजन नहीं हो रहा है, सोचिए कि बच गए एग्जाम आने से पहले, नहीं, ये अगर हाइपर कंजन करेगा तो ए कंप्लीट डबल रहेगा या पार्शल डबल बन जाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन के वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखिएगा, ड्रॉ करके पेन चलाना पड़ेगा, इंट्यूशन काम नहीं करेगा, तो अब बताइए यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड या पार्शल डबल बॉन्ड, बट यहाँ तो हाइपर नहीं हो रहा है,
तो यह कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा, करेक्ट। तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 10, 20 का ऑर्डर, करेक्ट। तो इसे यहाँ पे आंसर किसे दिए, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, बॉन्ड ऑर्डर से, या हाइपर कंजक्शन के प्रोसेस से, हाइपर कंजक्शन के प्रोसेस से, सही है ना। चलिए नेक्स्ट टेस्ट कब रखा जाए, पीछे से आंसर आ गया 15 डेज के बाद, 15 दिन का पावर गैप लेते हैं। कॉपी चेक हो रहा है स्टूडेंट, रिजल्ट निकल जाएगा, आप अपना काम बस बताइए और करके छोड़ दीजिए, टेस्ट दे दिए, रिजल्ट निकालना ये सब हम लोग का एक्टिविटी है, तो मेरे पर छोड़ दीजिए, पेपर बनाना भी मेरा एक्टिविटी है, 15 दिन के बाद लिया जाए। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ दिन चलेगा मॉर्फोलॉजी का टेस्ट चैप्टर वाइज, उसका नहीं हुआ है, पेपर बन के रेडी है। आप लोग सिर्फ सुनिए, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अनाउंस करते हैं, करना तो वही है, बाहर का एक्टिविटी में करूँगा वही जो मुझे अच्छा लगेगा, बट आप लोग का भी थोड़ा सा जगह देते हैं कि हाँ आप लोग का क्या ओपिनियन है। जैसे 15 दिन का आ गया तो उसमें 15 दिन का 15 से ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 डेज बाद 12 डेज मैक्सिमम गैप होना चाहिए, उतना काफ़ी होता किसी चैप्टर का रेडी करने के लिए। ओके एवरीवन, यहाँ देखेंगे जहाँ पे एरो दे रहा हूँ ए बी सी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, ए पाई बॉन्ड हाइपर कंजक्शन के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, है इसका तो यहाँ पे एक कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, बट तो सर हाइपर कंजक्शन यहाँ भी हो रहा है बट यहाँ पे ए डबल बॉन्ड, लॉजिक देखिएगा इसी से आपको आगे आंसर देना है, ए डबल बॉन्ड का कितना NBRS 5, एग्री ना, उस 5 में से 4 बार सिंगल बॉन्ड रहेगा, बोलिए हाँ, आउट ऑफ 5 RS उसमें से एक तो ए भी है, आउट ऑफ 5 में से यहाँ पे 4 टाइम्स क्या रहेगा, ये ऐसे आएगा तो सिंगल बॉन्ड ही तो बनेगा, राइट। तो आउट ऑफ 4 RS एक बार डबल और 4 बार सिंगल, यहाँ पे कितना बार सिंगल रहेगा, डबल एक बार और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा 6 टाइम्स, 2, 2, 4, 3, 7 सॉरी 8 ना, 8 NBRS इक्वल टू 8, 8 में से एक बार रहेगा डबल और 7 टाइम्स रहेगा सिंगल, यहाँ पे 11 है, 10 टाइम्स रहेगा सिंगल और एक बार क्या रहेगा डबल, तो कहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड इसका मतलब सबसे कम डबल बॉन्ड करेक्टर, उल्टा भी तो बोल सकते हैं, सबसे कम डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ रहेगा, तो इसका नाम अगर 1-2-1-2 किया जाए तो C1-C2 का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी तो आप बता सकते हैं, A-B-C, और C1 तो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा ऑर्डर किसका रहेगा, बॉन्ड लेंथ का, करेक्ट है ना, सबको समझ में आ गया लॉजिक, पक्का।
इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। भाई आप लोग कुछ लिख लीजिएगा, अभी तो आपको याद है क्योंकि आज क्लास में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको जगह पढ़ता था लिखता कि यहाँ लिख लेता कि यहाँ पे कैसे आ गया। इतना एक आध दो लाइन लिखना बनता है यहाँ पे जो बोला हूँ, जैसे बोले हैं वैसे ही लिख लीजिए। ए बी सी एम डी जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उसके बारे में पूछ रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया राइट सर, ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो बढ़िया रहेगा। डी सी बी ए बॉन्ड लेंथ, हो गया ना एवरीवन। इसको हटाया जाए, हाइपर में टफ लगा या ठीक ठाक आसान है, ठीक ही है। चलिए इंटरेस्टिंग है भाई, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो फिर बाकी तो भगवानी मालिक है। नॉमक्लेचर टफ नहीं, नॉमक्लेचर में रटना पड़ता है बेस नेम, और उसमें टफ वाला जो नेक था टाइप ऑफ कार्बन, तो वो टाइप ऑफ कार्बन तो ब्रह्मास्त्र है आइसोमिजम का और रिएक्शन का, वो तो आपको ना चाहते हुए भी सीखना पड़ेगा। कहीं पर कुछ कुछ टफ जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, और उसमें डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। पता नहीं आप लोगों को कैसे टफ लगा है, हम लोग तो अपने टाइम में ठीक ठाक ही लगा, बहुत बढ़िया से सब कुछ हो गया। बात नहीं, उसके पीछे का रीजन था भाई, मुझे वहाँ तक पहुँचने में 3 इयर्स लगा था, ड्रॉप देकर क्रैक हुआ राइट आईटी, बट डे वन से उसी एफर्ट से पढ़ा गया, डे वन से सेम एफर्ट लगाया गया। मैं तो एफर्ट ही लगाया गया कि मुझे डेवलप करना है, मुझे एंट्रेंस एग्जाम बैठना है, बोर्ड में नहीं, तो बोर्ड वाइज पढ़े ही नहीं कभी कि हाँ बोर्ड में बैठना है, ऑलवेज पढ़े कि हाँ एंट्रेंस बैठना है तो उस लेवल का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, अपने लेवल को ऊपर कर रहे थे, बोर्ड के लिए नहीं देख रहे थे। अभी क्या तो बच्चे पजल रहता ना भाई, बच्चे तो मतलब 20 दिन के बाद फिर बोलते हैं सर इन्विटेशन आने वाला है, ख़त्म नहीं हुआ, आज ख़त्म हुआ फिर से आने वाला है प्रोजेक्ट वाले, तो बच्चे का क्या करेगा। कॉन्सेप्ट डेवलप करने तो आसान है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बहुत कूल माइंड चाहिए, यहाँ भाई आप कोई काम नहीं है, बढ़िया से साइंस समझते हैं राइट। कॉन्सेप्ट डेवलप करने का मतलब ये होता है, तो आज तो बच्चे बेचारे फंस गया है, इधर बोर्ड भी है कॉन्वेंट, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी एक्सपेक्टेशन है। अब उसमें बच्चा टाइम मिलेगा तब तो सोचेगा कि हाँ आराम से सुबह शाम तक टाइम मिल रहा है, एकदम कूल माइंड से। लोग बोलते हैं एंट्रेंस नहीं हो रहा है, मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट अच्छा कीजिए एंट्रेंस में क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आना तो सब्जेक्ट है राइट। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए इसका नाम ए दे रहा हूँ, इसका नाम बी दे रहा हूँ, दोनों में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। दिस वन इन्वॉल्व विथ हाउ मेनी हाइपर कंज, 4 करेक्ट, बट दिस वन इन्वॉल्व विथ 10, तो अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बी टेन ए बॉन्ड लेंथ।
देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मिथाइल में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ और इस मिथाइल में कार्बन हाइड्रोजन का, कहाँ का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा? ये तो और भी आसान है सर, एक कंप्लीट सिंगल रहेगा क्योंकि हाइपर कंसन नहीं कर रहा है, बट एक क्या कंप्लीट सिंगल रहेगा या पार्सल सिंगल रहेगा क्योंकि हाइपर कंसन करेगा, राइट? तो इसका हाइपर कंजन करने से बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, करेक्ट है ना? दैट्स वाई यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड या पार्सल सिंगल बॉन्ड, पार्सल सिंगल, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सोल्यूशन समझ में आ गया है? इसका मतलब जिसका भी पूछेंगे उसको रटना नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए कि उस प्रोसेस करने से वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर उस प्रोसेस से कम हो रहा है या ज़्यादा? अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, ठीक है? ओके एवरीवन, एक और क्वेश्चन बनाइए। ए है ए, ए है बी, ए है सी, ए बी सी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसका आंसर सर, दिस वन इन्वॉल्व विथ 10 हाइपर कंजुअल, रिजिडेंस तो किसी में नहीं हो रहा है, राइट? दिस वन इन्वॉल्व विथ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड दिस वन इन्वॉल्व विथ 4, 1, 1, करेक्ट है ना? दैट्स वाई क्या ऑर्डर रहेगा? सी बी ए बॉन्ड। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH3 किसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा? कुछ तो बोल ही सकते हैं, देखिए इसमें थोड़ा अपोजिंग टेंडेंसी है अपोज करने का, और इसमें थोड़ा सपोर्टिंग टेंडेंसी है, ठीक है? सेम डायरेक्शन में कुछ तो मुझे भी आंसर देना था, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे दो, यहाँ पे कॉमन क्या हो गया था? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कॉमन हो गया था, तो कॉमन फैक्टर में कुछ खोज रहा था तो उसमें एक अनकॉमन फैक्टर ये नजर आया, इसमें अपोजिंग टेंडेंसी, इसमें सपोर्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, बट बी इज स्लाइटली मोर देन ए, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, करेक्ट है ना? डायग्राम दिखा दीजिएगा, याद रहेगा? ये लिख लीजिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट, अब तो क्लियर कट पता हो गया होगा,
कि रेजोनेंस या रेजोनेंस का जैसा कोई भी प्रोसेस होता है तो, और उसमें अगर निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव चार्ज से भी होता है, राइट, या लोन पेयर से भी। भाई हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का, और रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई प्रोसेस में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, ये भी देना चाहेगा ये भी देना चाहेगा, ऐसा रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस में अलाउड है? दिस इज द वजह मैंने क्या बोला, हाइपर कंजुगेशन डज नॉट इन्वॉल्व विथ निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। करेक्ट, समझ में आ गया है? वैसे ही यहाँ पर अगर हाइपर कंजुगेशन है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर भी क्या करेगा, देना चाहेगा, और हाइपर कंजुगेशन भी क्या करेगा, देना चाहेगा, अलाउड है नहीं है। दिस इज द वजह कि अब लास्ट कंक्लूजन आज के क्लास का, हाइपर कंजुगेशन कौन करता है? सी एस सिग्मा ऑफ एस पी थ्री कार्बन किसके किसके साथ करता है? अल्कीन अल्काइन, अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, कार्बोक्राइन के साथ, और किसके साथ नहीं करता है? क्लियर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन निकाल लेंगे, बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट देख लेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजन देख लेंगे, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट, हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इसमें नेक्स्ट पढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ये नहीं बोल रहे मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे। इस टॉपिक को पहले पूरा कवर करूंगा तो मेरा एक कंप्लीट टॉपिक ही कवर हो जाएगा, जिसका नाम रहेगा सफिशिएंट इफेक्ट, और तब मोल कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। हाँ, एक मिनट लाइन पे बने रहिएगा।